देश आज चांद पर पहुंच गया है, लोग 5G तक का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार डिजिटल इंडिया का दम भर रही है, लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजगंज के सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र गंगापुर गांव का, जहां किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। और हालात ये हैं कि ग्रामीणों को 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर मोबाइल से बात करनी पड़ती है। आज के दौर में जब भारत 6G की टेस्टिंग के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, हर तरफ नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, शहर ही नहीं गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस पहुंचे हैं, आज भी इस गांव में मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान है। सोशल मीडिया के इस दौर में मोबाइल नेटवर्क के अभाव में शासन की ऑनलाइन योजनाओं और सुविधाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण ज्योतिलाल चुड्डू बताते हैं कि हम सभी को फोन करने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, पूरे बस्ती में एक ही जगह पर नेटवर्क मिलता है, वो भी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। गांव के पूरे ग्रामीण वहीं जाकर फोन करते हैं। वहीं संत देवनी कुमारी बताती हैं कि नेटवर्क नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई और सरकार की योजनाओं का लाभ के बारे में पता नहीं चल पाता। नेटवर्क अगर रहता तो बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाती। वहीं गांव के बुजुर्ग ज्योतिलाल चुड्डू ने कहा कि अगर किसी से फोन पर बात करना है तो 1.5 किलोमीटर दूर जाना होगा। बूढ़े हो जाने से दूर जाने में कठिनाई होती है, घर से फोन नहीं मिलता। सबसे ज्यादा परेशानी बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने में आती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसे हालात रहे तो डिजिटल इंडिया का सपना भला कैसे पूरा होगा। क्षेत्र के ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर से सारे मोबाइल नेटवर्क कनेक्शंस मिलते हैं, लेकिन गांव में मोबाइल नेटवर्क से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य की अनेक योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी से लेकर समर्थन मूल्य पर बेची जाने वाली उपज आदि की जानकारी के लिए मोबाइल पर OTP और मैसेज आते हैं। क्षेत्र में नेटवर्क नहीं मिलने से ग्रामीणों को परेशानी होती है। एक ओर जहाँ सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है, वहीं मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं मिल पा रहा है तो जानकारी भला कैसे मिलेगी। विभिन्न परीक्षाओं और योजनाओं की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। गंगापुर के लोगों को नेटवर्क नहीं मिलने से, नेट नहीं चलने से कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग, बिजली के बिल जमा करने सहित अन्य जरूरी कार्य नहीं हो पाते, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। कई गाँव में तो मोबाइल का कवरेज मिलना बंद हो जाता है, लोगों को आपात स्थिति में परेशानी होती है। जब जो सीजन रहता था दूर करते हैं, इसके बाद मतलब दूसरा मजदूरी करते हैं। कहाँ? कहीं भी अगर हाजिरी का मिल गया तो वहाँ करते हैं। ये सीजन कितना महीना का चलता है? वो दो हाँ दुर्गा पूजा के बाद से। सरकार तो अभी रोजगार भी दे रही है। सरकार तो रोजगार दे रही है। रोजगार देने से तो हम लोग ये करते है, अगर देता तो करते हम लोग। मनरेगा कार्ड बना है आपका? नहीं बना है। मनरेगा कार्ड भी नहीं बना है? नहीं बना। जॉब कार्ड भी नहीं बना? नहीं। आप जॉब कार्ड के लिए तो कल परसों दिए है, अब बना है नहीं बना वो भी हमको पता नहीं। आप अभी दिए? उतना आपका उम्र कितना हो गया? मेरा उम्र लगभग हो गया वही 30 साल। तो अभी दिए आप बनाने के लिए? तो जब मांगेगा तब ना देंगे। आपने से तो हम बनाए तो नहीं। ये आपका अपना घर है गंगापुर में? हाँ। जब से यहाँ मतलब की पता था दादा सब किया है तब से नहीं है। मैंने आपके जन्म से ही टावर नहीं है, मतलब 2G भी नहीं मिलता है, 5G का जमाना है। तो फिर मान ली कल दिन मुसीबत आ जाएगा, हाथी आ जाएगा, कोई चोर डकैत आ जाएगा, पुलिस को फोन करना है तो कैसे करते हैं? तो नेटवर्क में जाके करना पड़ता है उधर, मतलब कि रोड साइड। कितना दूर जाना पड़ता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर? हाँ, तब नेटवर्क। क्या नाम है आपका? केतलाल मरांडी। जाते हैं पहाड़ी ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो इधर गांव तरफ दूसरे गांव जाने। कितना दूर दूसरा गांव जाना पड़ता है बात करने के लिए? यहां से हम लोग मैथान जो बोलते हैं हाँ, वहां जाने पड़ता है। कितना दूर है यहां से? मोटा-मोटी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। कितना होगा? 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 2 साल पहले मिला? 2 साल मिला था। दो साल पहले मिला, उसके बाद नहीं मिला कम्बल। अरे आप लोग पक्का मकान भी नहीं है, घर खपरा घर में रहते हैं? खपरे घर में हम लोग रहते हैं, कहाँ देखिए आप घूमिए। कौन पंचायत पड़ता है? ये दलोटी।